क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज हैंग फ्रॉम सेलिंग। इफ ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट्स लोअर एंड एंड इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 0.1 मिलीमीटर, फाइंड आउट करना है यंग मॉडुलस ऑफ वायर, इंटर एटोमिक फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन साइड वायर, एनर्जी डेंसिटी इन साइड वायर। चार चीजें हमें बतानी है कि एक वायर को छत से लटकाया गया और नीचे की तरफ से उसे खींचा गया 100 न्यूटन की फोर्स से और वो खींच जाती है 0.1 मिलीमीटर, इसका एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर के। सबसे पहले निकालना है यंग मॉडुलस ऑफ वायर। यंग मॉडुलस ऑफ वायर हमारे पास पहला पार्ट यंग मॉडुलस यानी कि गामा इक्वल टू क्या होता है एफ एल डिवाइड बाई में डेल्टा एल ए। एफ हमें कितना दे रखा है 100, एल हमें क्या दे रखा है 20, डिवाइड बाय में डेल्टा एल 0.1 मिलीमीटर यानी कि 10 की पावर -3 इनटू एरिया कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया 10 सेंटीमीटर देता है तो 10 इंटू 10 की पावर -4 तो हमारे पास गामा क्या आ जाएगा, गामा हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 9 यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज द गामा। सेकेंड पार्ट हमें पूछा गया है इंटर एटोमिक फोर्स कांस्टेंट। इंटर एटोमिक फोर्स कांस्टेंट यानी कि के, के हमारे पास क्या होता है गामा ए डिवाइड बाय में एल। तो गामा हमारे पास कितना है 2 इंटू 10 की पावर 10, ए हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है यानी कि 10 की पावर -4 डिवाइड बाय में 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 की पावर 6 न्यूटन मीटर, दैट इज द इंटर एटोमिक फोर्स। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड तो हमारे पास क्या होते हैं न्यू ई, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड हाफ एफ डिवाइड बाय में ए इंटू डेल्टा एल बाय में एल, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड फॉर्मूला। हाफ इंटू एफ कितना है 100, ओके, डिवाइड बाय में एरिया 10 इंटू 10 की पावर -4, डेल्टा एल 0.1 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय में एल कितना है 20, तो हम अगर कैंसिल आउट करेंगे तो दैट इज द 50, तो हमारे पास न्यू ई कितना आ जाएगा दैट इज 50 इंटू 1/10 इंटू 10 की पावर -3 यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड। फोर्थ पार्ट में बताना है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है हमारे पास, फोर्थ पार्ट एनर्जी डेंसिटी, दैट इज द फोर्थ पार्ट। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी बाय में वॉल्यूम, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, सॉरी ये दैट इज द एनर्जी डेंसिटी, ओके दैट इज द एनर्जी डेंसिटी, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। हमें फोर्थ पार्ट में बताना है एनर्जी स्टोर्ड, ये दैट इज दैट पार्ट इज फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास एनर्जी थर्ड पार्ट हमें बताना था क्या दैट फोर्थ थर्ड पार्ट इज द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल यानी कि 1/2, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज 0.25 जूल। एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 × 100 × 0.1 × 10 की पावर -3 यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 × 10 की पावर -2 जूल, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड और दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। ओके दैट इज द क्वेश्चन।